टचवुड और आरसीईआरटी की ओर से मिस्टर एंड मिसेस चंद्रपुर 2018 का आयोजन किया गया है। टचवुड और आरसीईआरटी के संयुक्त तत्वाधान में राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 सितंबर को 2K18 मिस्टर एंड मिसेस चंद्रपुर 2018 का आयोजन किया गया है। इसी के तहत मॉडलिंग के शौकीनों को एक मंच उपलब्ध करा देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि युवाओं को अवसर मिल वह अपनी कला प्रदर्शित कर सके। मिस्टर एंड मिसेस चंद्रपुर 2018 के आयोजन की तैयारियां शुरू है, जिसमें अश्विनी तोमर, सानिया खान, निखिल असरानी, यश दत्तात्रेय ने कड़ी मेहनत ली है। चंद्रपुर में यह मंच युवाओं के लिए उपलब्ध होकर युवा इस सुनहरे अवसर का लाभ ले सके, इस उद्देश्य के तहत यह आयोजन चंद्रपुर शहर में राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया है। इस संदर्भ में आयोजकों ने सिटी केबल समाचार से बातचीत करते इस सुनहरे अवसर का लाभ लेने की विनती की। जब हमने मॉडलिंग स्टार्ट करी, हमारा जो ग्रुप स्टार्टअप हुआ, तब वहाँ पे बिल्कुल भी क्रेज नहीं था इस चीज़ का, लेकिन ये अब जो बढ़ रहा है, हमने जो चीज़ें सीखी है, हम लोगों ने बाहर जाके सीखा है, बाहर की ग्रूमिंग ली है और फिर हम अपने आप को बिल्डअप किए है। हम चाहते हैं जो अभी न्यू फ्रेशर्स मॉडल है वो अब बिल्डअप हो रहा है खुद से, वो चाहते हैं मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो हम जो चीज़ें सीख के आए हैं बाहर से, हम उनमें चाहते हैं कि वो सब इंक्लूड हो, वो ये सब चीज़ों का, हमारी सिखाई हुई चीज़ों का यूटिलाइज करे, उसे अपने आप में लाए, और ये शायद ये चंद्रपुर में काम ना आए लेकिन ये बाहर जाके उनको ज़रूर काम में आएंगी, उनका फ्यूचर बिल्डअप करने में। और अब मॉडलिंग भी एक करियर ऑप्शन हो चुका है, तो उन लोगों को ईजी जाएगा हमारे माध्यम से ही सही, या फिर जो भी कोचिंग वो ले रहे हैं प्रॉपर कोचिंग ले, क्योंकि दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके पास से सीख रहे हो, बिकॉज व्हेन पीपल आस्क कि आप किसके स्टूडेंट हो, दैट इज़ आल्सो द मेन थिंग, और वो बताते हुए आप एक खुद की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है। हाँ, हमने प्रिपरेशन इसकी की है 1-1.5 महीने पहले से, हमने ये सोचा था कि हमको ये प्रोग्राम लेना है। इसमें काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी सारा हम लोग सब ने मिल के बैठ के सजेशन दिए काफ़ी लोगों के कि किस तरीके से ये प्रोग्राम किया जाए। हमने पहले तो हमने ऑडिशंस लिए, ऑडिशंस टाइम में उस टाइम में हमको ऐसा लगा कि इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन ऑडिशन था, क्राउड देखा, लोग आए, पेरेंट्स के फ़ोन आए, तब ऐसा लगा कि नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। और जैसे एंट्रीज आई वो देख के तो दिल खुश हो गया, एंट्रीज आई, ऑडिशन बहुत सुपर्ब हुआ। उसके बाद अभी हम लोगों ने 2 सितंबर से हमने हमारे ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट कर दिए, तो फर्स्ट सेशन हुआ एक तो हम तीनों ने उनको ग्रूम किया कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सेकेंड राहुल घोटेकर जी का सेशन हुआ, उन्होंने काफ़ी उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया, जिससे आज आप देखोगे अगर मॉडल्स को तो वो खुद बिल्डअप होके खुद काफ़ी अच्छा बोल पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा वॉक कर पा रहे हैं। आज सेशन हुआ सोनिया जड़ा जी का, जिन्होंने भी उनके अंदर किस तरीके से विन करना है, किस तरीके से आगे जाना है, वो चीज़ उनमें लेके आई है। और अब हमारा अभी कल फिर से सेशन होगा, कल हमारा फ़ोटोशूट्स है, आगे भी काफ़ी सारे सेशंस रहेंगे, कुछ मॉडल्स नागपुर से आ रहे हैं, और इसका फिनाले रहेगा 8 सितंबर को, जो कि हमने सोचा है कि काफ़ी ग्रैंड हो। ये अभी तक के आज तक के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन नहीं हुआ है इस लेवल का, हम वो इस तरीके का लेवल का कॉम्पिटिशन अभी लाना चाहते हैं। और ये चाहती हूँ मैं कि जो भी लोग है देखने ज़रूर आए, सितंबर को ये शो होने वाला है आरसीईआरटी के ऑडिटोरियम में, शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरी ये बहुत ज़्यादा विनती है कि सब जन आइए, शो इन्जॉय करिए, देखिए, और थैंक यू सो मच। इवेंट आया ऑर्गनाइज केलेला, हा जो इवेंट आम्ही घेतला इथे, तो ॲक्च्युअलमध्ये एक आहे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। हा इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन म्हणण्यापेक्षा आम्ही हा चंद्रपूरच्या लोकांना एक प्लॅटफॉर्म देतो आहे, आम्हाला जो प्लॅटफॉर्म जो आम्हाला नाही भेटला, जो आमच्या सेम एजवाल्यांना नाही भेटला, तो आम्ही यांना द्यायचा प्रयत्न करतो आहे, की त्या प्लॅटफॉर्मच्या थ्रू यांना वरती खूप मदत झाली पाहिजे। आम्हाला या शोसाठी आमच्या आरसीईआरटी कॉलेजच्या मॅनेजमेंटनी, आमच्या ग्रुप मेंबर्सनी, आम्हाला सगळ्यांनी खूप जास्ती मदत केली आहे। त्याच मदतीतनं आम्हाला फक्त काही नाही, आम्हाला या ज्या मुलांना जे देता येईल ते आम्हाला द्यायचं आहे, अजून काहीच नाही करायचं आहे आम्हाला। ही जी आमची इव्हेंटची कंपनी आहे, ही तर चालू आहे 4 वर्षापासून, पण हा जो एक इव्हेंट आहे हा चंद्रपुरातला फर्स्ट इव्हेंट आहे जो एवढा मोठा होणार, आणि जे समजेल की किती चांगला इव्हेंट तो तुम्हाला भेटेल ते आम्हाला बोलायची गरज नाही। थँक्यू। जैसे की अभि आपको सानिया मॅमने बताया की स्कोप
स्कोप जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मॉडलिंग में हमारे चंद्रपुर के, लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो उसमें कैसा है ना, स्कोप तो बहुत है बट उनके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि कैसे इस फील्ड में हम आगे बढ़ें, कैसे चंद्रपुर से दूसरी सिटीज़ में जाके हम अपने मॉडलिंग जो करियर है उसको हम बढ़ाएं। तो उसका नॉलेज जो है वो परफेक्ट नॉलेज देने के लिए, वो परफेक्ट यू नो हम बोल सकते हैं कि रास्ता दिखाने के लिए हमने ये ग्रूमिंग सेक्शन ये शो का उसी के लिए हमने ये ग्रूमिंग सेक्शंस और ये जो शो का है वो हमने आयोजन किया है कि उससे इस माध्यम से जो बच्चे जिस इंटरेस्टेड हैं, जो लड़के इंटरेस्टेड हैं वो आके यहाँ से हमसे नॉलेज लें। और जैसे हमने बाहर जाके नॉलेज लिया, मुंबई जाके नागपुर जाके हम इतना स्ट्रगल किया हमने, इतना वहाँ पर जाके नॉलेज लिया, वो हम उनको चंद्रपुर में देना चाहते हैं जैसे यहाँ से वो इतना ग्रूम होके इतना सीख के चले जाए कि वहाँ पर उनको तकलीफ ना हो। थैंक यू सो मच।